वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, आज से हम CGPSC प्री और मेंस लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हुए CGPSC का जो पेपर 2 है प्रीलिम्स का और CGPSC का मेंस का जो पेपर है उसको हम साथ साथ इंटीग्रेटेड रूप से तैयारी करेंगे। तो ये दोस्तों पूरा जो लेक्चर होगा वो हिंदी में होगा और शुरुआत के जो 3 से 5 स्लाइड हैं वो इंग्लिश में हो सकते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो हिंदी में हैं। तो ये मेरा प्रोफाइल है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग लेक्चर सीरीज़ का ओवरव्यू कि मतलब जो है कौन कौन से लोग इस रीजनिंग लेक्चर से लाभ ले सकेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने लेक्चर सीरीज़ जो है वो चलेगा, मतलब कितने दिनों में ख़त्म होगा, ये सब सारी चीज़ें। और रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए या पूरा रीजनिंग अच्छे से तैयार करने के लिए कौन कौन से जो है बुक्स लगेंगे। और उसके बाद देखेंगे CGPSC प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और कौन कौन से एग्ज़ाम से कौन कितने कितने क्वेश्चन लगभग आते हैं वो देखेंगे। और सबसे अंत में देखेंगे टॉपिक लिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं इस लेक्चर से लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों भारत में जितना भी स्टेट PSC का एग्ज़ाम होता है, चाहे जो भी हो, CGPSC, MPPSC, GPSC, RPSC, तो उसमें सब में CSET का होता है पेपर। तो CSET वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी को फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद है व्यापम एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ व्यापम और MP व्यापम, तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद SBI, PO, IBPS, SSC, रेलवे, ये सब जो जितने एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में फ़ायदा होगा क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन इन्हीं रीजनिंग मैथ्स वगैरह का होता है। उसके बाद है दोस्तों जितने भी बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं, है ना, जितने भी बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं जो लोकल एग्ज़ाम्स हैं और जो भी इसके जो डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जाते हैं वो सभी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि कितने लेक्चर में जो है ये कम्प्लीट होगा। तो हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे के बीच में 2 से 3 वीडियो जो है हम लोग अपलोड करेंगे और जो एक वीक में हम लोग करीब 2 या 4 टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद जो कितने दिनों में कवर होगा, तो 25 से 35 का जो मैक्सिमम वीडियो हमने सोच के रखा हुआ है, तो इतना मिनिमम जो है, या मैक्सिमम लिखा हुआ है लेकिन मिनिमम जाएगा, है ना, क्योंकि करीब करीब 45 से 50 तो टॉपिक हैं तो लगता है समय जो है, लगेगा समय। उसके बाद जो आगे देखते हैं एवरेज वीडियो का टाइम, तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में हम वीडियो को जो है कवर जो है कर लें। टॉपिक के ऊपर है, यदि कोई बड़ा टॉपिक होगा तो वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो सकता है, 20 मिनट तक हो सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं स्टडी अप्रोच क्या होगा लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो डेली दोस्तों अगर आप 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बहुत है रीजनिंग के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। उसके बाद आगे देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, पुराने वाले उसको हम डिस्कस करेंगे और जितने भी एग्जांपल्स हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो भी ट्रिक्स होंगे, जैसे कि वीडियोज़ को कैसे उससे भी जल्दी, जो भी बताया मेथड है उससे भी और जल्दी कैसे जो है सॉल्व करें, यदि आप कमेंट करेंगे तो और ट्रिक्स जो है मैं बताऊंगा आपको। और वीडियो के अंत में 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको हर वीडियो में मिलेंगे और उसका जो सॉल्यूशन है आपको इस फॉर्मेट में देना होगा कमेंट में, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या अप्रोच अपनाना चाहिए। तो उसमें है बुक, है ना, कौन सा बुक लेना है। तो मेरे हिसाब से यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो फिर परफेक्ट वर्बल रीजनिंग का बुक है अजय चौहान का, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों में अवेलेबल है, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा बुक है लूसेंट का, जो वर्बल रीजनिंग का होता है, ये सिर्फ वर्बल रीजनिंग का है ना, तो उसको आप ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में आता है, ये उसके राइटर हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हैं, यदि आप चाहें तो ये इंग्लिश में भी एक बुक है RS अग्रवाल की, बहुत थोड़ी मोटी सी है लेकिन रीजनिंग की जितनी भी चीज़ें हैं सभी कवर है इसमें, है ना। ये ओल्ड एडिशन लेंगे, जो नया एडिशन है वो मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो आप जो है ओल्ड एडिशन लेंगे, येलो कलर का होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लिंक जितने भी हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो यदि आप चाहें तो वहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि कौन कितने कितने क्वेश्चन का वेटेज है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स देखते हैं CGPSC का। तो प्रीलिम्स में CGPSC की जो प्रीलिम्स है उसमें 20 से 22 क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा आते हैं लगभग। अभी पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें लगभग लगभग जो 40 क्वेश्चन आए थे लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी को मिलाकर। और मेंस में जो है इसका जो है 40 मार्क्स का होता है, ठीक है, 40 मार्क्स यानी कि एक पार्ट। यदि आपने सिलेबस आपके पास होगा, और आशा करता हूँ कि सिलेबस जो है आप अपने सामने रखे होंगे, तो जो है 40 नंबर का होता है। तो ये उसका सिलेबस है जो कि मेंस में CGPSC का जो मेंस है उसका जो सिलेबस है मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे एनालॉजी टेस्ट है, है ना, तो ये एक टॉपिक है उसमें। ऑड वर्ड यानी कि विषम शब्द है वो एक टॉपिक है। ऑड पेयर ऑफ वर्ड, है ना, तो विषम शब्दों का जोड़ा जो है वो एक टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक है, तो ऐसे करके ये सिलेबस है। रिलेशन टेस्ट है, रिलेशन टेस्ट मतलब ब्लड रिलेशन वगैरह।
और ये अल्फाबेट टेस्ट है ना। तो मैथमेटिकल रीजनिंग है और लॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का तार्किक विश्लेषण। उसके बाद है इंसर्टिंग एंड मिसिंग नंबर, यानी कि जो मिसिंग नंबर होता है, जो सीरीज होता है उसमें कोई नंबर नहीं है, या तो फिर एक पैटर्न के फॉर्म में होता है जिसके बीच में डिजिट्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चन उसके फॉर्म में होता है, तो वहाँ पर जो नंबर नहीं होता है उसको फिल करना होता है। उसके बाद है एसर्शन एंड रीजन, यानी कि एक कथन दिया होता है, एक कारण दिया होता है, तो उसमें जो ऑप्शन रहता है ए सही है बी सही है, मतलब सिर्फ एसर्शन सही है सिर्फ रीजन सही है, दोनों को एक्सप्लेन करता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। और एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यदि आपके घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। उसके बाद है फिगर सीरीज, यानी कि उसी पैटर्न का नेक्स्ट फिगर क्या होगा ये फाइंड आउट करना होता है। डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो ये उसका हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जैसे ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सिलेबस में लिखा हुआ है सी जी पी एस सी मेन्स के, है ना, जो मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें पार्ट में, है ना, ये 40 नंबर का होता है। या आप सिलेबस को जो है अपने सामने रख के मिलाते जाइएगा, क्योंकि रीजनिंग का जो पूरा टॉपिक है जितना हमको पढ़ना है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कवर होता है, वो सारा टॉपिक्स मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये जितने टॉपिक्स हैं उसको अपने सिलेबस में लिस्ट कर लीजिएगा, मतलब टिक कर लीजिएगा, ये मेंस में प्योर पढ़ना है, बाकी तो जितने भी चीज़ें हैं वो उसमें भी पढ़नी है, हमें प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है। तो अब दोस्तों चलते हैं टॉपिक लिस्ट में आगे कि क्या क्या टॉपिक लिस्ट है। हाँ, उससे पहले ये है सी जी व्यापम का। सी जी व्यापम में वही 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं रीजनिंग के, 20 से 30 लगभग, और भी जितने भी एग्जाम्स हैं तो सब आते हैं इसमें। उसके बाद अब चलते हैं टॉपिक लिस्ट। तो रीजनिंग जो है उसको दो भागों में बांट के रखा गया है, एक है वर्बल रीजनिंग होता है, वर्बल होता है जिसमें यानी कि कही कही गई बातें होती हैं, मतलब लिखी गई बातें होती हैं, जैसे कि पजल का क्वेश्चन है कि, या तो फिर राउंड टेबल का क्वेश्चन है कि उसमें यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता है क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग में। और उसमें दो सेक्शन है, एक एक सेक्शन है जनरल मेंटल एबिलिटी का, जिसको कहते हैं मानसिक योग्यता, और दूसरे को कहते हैं तार्किक निगमन, यानी कि लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है। तो ये वर्बल रीजनिंग में दोनों चीज़ें, तो दोनों चीज़ों को कवर करना है, ये प्रीलिम्स और मेंस, ये हाँ प्रीलिम्स और मेंस लगभग दोनों में है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का जो अगला जो पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट है, वह नॉन वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल रीजनिंग में होता है दोस्तों कि सिर्फ फिगर दिया होता है ना, उसका नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना होता है, तो फिगर बेस्ड होते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि मिरर इमेज क्या होगा इस चीज़ का, इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। अब वन बाय वन करके सभी टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वर्बल रीजनिंग का चैप्टर, जिसमें वर्बल रीजनिंग में जनरल मेंटल एबिलिटी जो है सेक्शन 1, उसको देखेंगे सबसे पहले कि उसमें पूरा जो है क्या क्या है। तो ये दोस्तों एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये पूरा जो सिलेबस मैंने जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि जैसे एनालॉजी टेस्ट का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, तो उसमें जितनी भी स्लाइड है सब मैंने हिंदी में करके रखी हुई, क्वेश्चन से लेकर सभी चीज़ें, तो दिक्कत नहीं होगा, और इसका नाम भी मैंने हिंदी में रखा हुआ है। और दोस्तों हो सकेगा तो आप ये जो जितना भी टॉपिक लिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इसको जो है एक पन्ने में, या फिर आपका कॉपी, या फिर एक इंडेक्स के फॉर्म में आप जो है नोट करके रखिए, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको जो है कवर करनी है। ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये सी जी पी एस सी मेन्स में भी है, ये भी मेन्स में है, ये भी मेन्स में है, ये नहीं है मेन्स में, ये मेन्स में है, ये हाँ ये भी मेन्स में है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो ऐसे सभी है ना, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल टेस्ट है, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट है, क्विज टेबल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, नॉर्मल कैलकुलेशन वाले गणितीय क्वेश्चन होते हैं जिसमें। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, उसके बाद कंडीशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, है ना, नंबर पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो उसमें सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बेस्ड होता है, समीकरण आधारित जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं इसमें, और डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन होता है। उसके बाद होता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का सीक्वेंस बना होता है उसमें से आगे क्या सीक्वेंस होगा ये फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद इनइक्वालिटी होता है, फिर एक कैलेंडर है, क्लॉक एंड टाइम है, फिर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ एंड स्टेटमेंट है। तो इस तरह सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मैंने ये भी बताया, ये सी जी पी एस सी के मेन्स में भी है ना। तो ये सबसे आखिरी में ये जो है डिसीजन मेकिंग है, ये हो गया वर्बल रीजनिंग का चैप्टर का पूरा लिस्ट, कि मतलब 23 टॉपिक जो है वो वर्बल रीजनिंग में है, और 23 के 23 टॉपिक जो है हमको कवर करने हैं। तो उसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वर्बल रीजनिंग का जो सेकेंड सेक्शन था वो था लॉजिकल डिडक्शन का, ठीक है। तो अब उसमें देखते हैं लॉजिकल डिडक्शन में हमको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ने हैं सिलोलिज्म, है ना, आप हमेशा क्वेश्चन में देखते होंगे सब चम्मच थाली है, या तो फिर सभी चम्मच प्लेट है, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर सभी कुर्सी
सभी कुर्सी जो है टेबल है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हम सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया होगा और उससे रिलेटेड जो भी जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो देखते हैं इसमें कि कौन सा सही जो है रिएक्शन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जो कार्य है उसके आधार पर क्या रिएक्शन होना चाहिए आपका, तो वो इस पर पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट एंड अजप्शन, इसमें एक कारण दिया होगा, नहीं इसमें एक कथन दिया होगा और इसमें ये पूछा जाएगा कि ये कथन क्यों कहा गया है ना, कौन सा एजप्शन था, किस कारण से ऐसा एज्यूम किया गया और बोला गया, तो वो फाइंड आउट करना होगा। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि स्टेटमेंट और जो कारण वगैरह दिए होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, दो स्टेटमेंट दिए होंगे उसके आधार पर जो है आपको निष्कर्ष निकालना होगा। उसके बाद एक कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और प्रभाव के आधार पर जो है आपको फाइंड आउट करना होगा आंसर। असर्शन एंड रीजन, ये जो है लगभग कवर हो गया होगा, यहाँ पे नहीं है तो चलो ठीक है। इसमें जो है असर्शन, कथन और कारण, तो इसमें पैसेज को सॉल्व करना होगा, है ना। तो दोस्तों ये जो है इतनी सारी चीज़ें जो है ये आती है लॉजिकल डिडक्शन में, तो एक एक करके सभी चीज़ों को वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। मैं क्योंकि एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में करूँगा, आप चिंता मत कीजिए सारी चीज़ों को। ये सिर्फ नाम जो है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। उसके बाद है सेकंड जो सेक्शन था नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का, जिसमें मैंने पहले कहा था कि इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, इसमें होता है सिर्फ फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जैसे सबसे पहले सीरीज देखते हैं कि तीन जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न पर आधारित फिगर होगा, उसका नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा उसको फाइंड आउट करते हैं इसमें। उसके बाद एनालॉजी टेस्ट, तो ये जो है इसमें सादृश्यता कहते हैं इसको हिंदी में, तो जो बाकी तीन जो पिक्चर हैं उससे चौथा पिक्चर कैसे अलग है, तो क्यों अलग है वो फाइंड आउट करते हैं इसमें, ये वर्गीकरण। तो ये मतलब सब वही जो आपको वर्बल रीजनिंग में दिखा, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के फॉर्म में आता है। एनालिटिकल रीजनिंग है, फिर मिरर इमेज है, मिरर इमेज मतलब जैसे आप आईने में देखते हैं तो वो उल्टा दिखता है, तो कैसे उसको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई जैसे अक्षर लिखा हुआ है तो उस अक्षर का उल्टा क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन होता है। वाटर इमेज, यानी कि जब पानी में देखते हैं तो उसमें उल्टा किस तरीके से होता है, क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज में दोनों में बहुत अंतर है ना, तो क्वेश्चन कई बार जो है गलत हो जाता है, तो ये भी देखेंगे वन बाय वन। उसके बाद स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, मतलब कौन सा ऐसा फिगर है जो बाकी अन्य फिगर से अलग है, तो वो देखेंगे इसमें। उसके बाद एक कंप्लीशन पैटर्न ये है, फिर फिगर मैट्रिक्स है, फिर पेपर फोल्डिंग है, पेपर को फोल्ड करते हैं उसके बाद खोलते हैं तो फिर क्या होता है, या फिर पेपर को फोल्ड करके कहीं निशान लगाते हैं तो फिर खोलने के बाद क्या डिज़ाइन बनता है, ये सब होता है इसमें। उसके बाद है पेपर कटिंग, पेपर को कहीं से काटते हैं उसके बाद फिर खोलते हैं तो फिर उसको क्या डिज़ाइन बन जाता है, ये सब चीज़ें इसमें। फिर रूल डिटेक्शन, कौन सा रूल से जो है नेक्स्ट फिगर आया है ये देखते हैं इसमें। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, क्यूब एंड डाइस, ये दोस्तों मेरा फेवरेट है और बहुत ईजी, इसको 10 सेकंड से भी कम समय में सिर्फ एक ही चीज़ से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद है डॉट सिचुएशन, तो ये दोनों सेम है, डॉट सिचुएशन और डाइस जो है। उसके बाद आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, यानी कि कई बार आप देखे होंगे स्क्वायर काउंट करना होता है या ट्रायंगल काउंट करना होता है, एक फिगर दिया होता है उसमें जो है आपको काउंट करना होता है, ठीक है, कि जैसे ये फिगर है तो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी है वो सभी को सॉल्व करेंगे, और जो भी ट्रिक है उसको जल्दी सॉल्व करने का वो बताऊंगा मैं आपको। फिर फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, कई बार होता है कि एक फिगर दे दिया होता है उसके बाद बोल दिया होता है कि चार ऑप्शन दिया होता है, उसमें से फाइंड आउट करना होता है कि इस फिगर से उस फिगर में क्या बना हुआ इन चारों में से, तो वो देखेंगे ये वन बाय वन करके। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने कवर किया है कि कौन कौन से लोग इस वीडियो सीरीज़ को देखकर लाभ ले पाएंगे, उसके बाद हमने देखा है कि कितने वीडियोस में जो है ये कवर हो जाएगा, उसके बाद क्या स्टडी अप्रोच अपनाना है, कौन से बुक लेना है, कितना टाइम लगेगा पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट होने में, कितने वीडियोस में, ये सभी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद देखा सिलेबस एक्सप्लेनेशन, देखा कि सी जी पी एस सी का मेंस का हमने जो सिलेबस था वो देखा, फिर सी जी व्यापम का जो सिलेबस है, सी जी व्यापम में कितने क्वेश्चन आए वो देखा, तो ये सभी बैंक्स में आते हैं तो सभी चीज़ें, वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा लगभग लगभग। तो उसके बाद हमने देखा कि पूरा टॉपिक लिस्ट, तो लगभग लगभग 40-45 से 50 टॉपिक हैं, तो सभी को वन बाय वन करके हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का जो पूरा जो वीडियो सेशन है वो कैसे चलेगा हमने अभी पूरा देखा, और सिलेबस जो है सभी चीज़ों को कवर कर लिया। यदि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी क्वेरीज है, कमेंट है या सजेशन है, जो भी वीडियो रिलेटेड है, ऑडियो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, और ये ट्विटर अकाउंट, गूगल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, ये सभी चीज़ों को जो है सब्सक्राइब करें, और ये मेरा जो फेसबुक पेज है उसको जो है लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।